हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एक बहुत ही रैंडम सा व्लॉग बना रही हूँ मैं। एक्चुअली जो लोग लखनऊ से व्लॉग करते होंगे सो उन्हें मेले इस मेले के बारे में मालूम होगा जो मैं जा रही हूँ। जहाँ उसका नाम है डालीगंज मेला एंड इसको कार्तिक मेला के भी नाम से जानते हैं। सो ये जब गंगा स्नान हो जाता है ना उसके बाद यहाँ लखनऊ में 1.5 से 2 महीने लगता है ये। तो अभी ये 14 नवंबर से शुरू हो गया है एंड ये 5 जनवरी तक लगा हुआ है। सो बस आज आपको वहीं का पूरा मैं व्लॉग दिखाऊंगी एंड बहुत ही अच्छा अच्छा वहाँ सामान मिलता है। सो जल्दी से शुरू करते हैं एंड वहाँ पहुँच जाते हैं। बस मैं रेडी हो गई हूँ, बस यहाँ से निकलने जा रही हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों से मैं वहाँ। सो यहाँ पे जैसे ही आप पुल से नीचे उतरते हैं तो यहाँ ये बहुत सारी शॉप्स लगी हुई होती है। तो इधर फिश मिल रही थी जो कि एक्वेरियम में ये 250 रुपये का दे रहे थे। वो लोग पूरा ये कांच का बाउल था एंड इसमें एक या दो फिश थी। सो मतलब थोड़ा बार्गेनिंग करना होगा तो वो सही लगा लेते हैं। एंड देन जैसे ये जो मैं बता रही हूँ ना पुल से उतरे हैं, ये वहाँ की शॉप्स हैं। ये राइट हैंड साइड लगी हुई है। यहाँ पर मतलब मोस्टली प्लास्टिक के बर्तन एंड जो किचन का सामान है ना प्लास्टिक का वो ज़्यादा मिल जाता है एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। सो ये सामने रहा जो मेन गेट जहाँ से अंदर हम मेले में जाएंगे। एंड बहुत सारा उसमें मतलब था लेकिन बट किचन का सामान काफ़ी सही मिल जाता है। सो ये 14 नवंबर से 5 जनवरी तक लगा हुआ है। सो जैसे ही इंटर करते हैं ना तो आपकी दुकानें इस पर शुरू हो जाती हैं। सो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड शॉप्स हैं। सो इधर ये शर्ट वगैरह बेच रहे थे जो कि मतलब ब्रांडेड तो नहीं थी पर नॉर्मल शर्ट थी, ठीक प्राइस में थी। लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा आपको फूड स्टोर मिलेगा, मतलब खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। राइट हैंड साइड शॉप्स ज़्यादा थी। सो इधर बहुत सारे सिल वगैरह मिल रही थी इधर। एंड जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं वो भी अफोर्डेबल प्राइस में थे, 150 में 2 दे रहे थे इधर। ये जो सॉफ्ट टॉयज हैं एंड ये हर शेप में जो पिलो थे एंड ये जो आप देख रहे हैं इधर सेल लगी हुई थी लाइक 150 में। वूलन थे 150, 250 एंड 300, थ्री मतलब तरह के उसमें रेट लगे हुए थे। सो ये मतलब आप देख सकते हैं इधर आके, मतलब सेल में ऐसे ही रहता है, क्वालिटी तो उतना अच्छी नहीं रहती बट आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। सो इसलिए मैंने यहाँ का पूरा सूट कर लिया था। सो हर तरह के पीसेस मिल जाएंगे ऐसे कि आप देख रहे हैं, फुल है, कोट है एंड पुलोवर्स हैं एंड कार्डिगन्स हैं, बहुत सारे मतलब पीसेस हैं। ये वाला जो इसमें लगा था ये 200 में 1 पीस था। तो इस तरह के मिल रहे थे। सो रिंग यहाँ पे ये थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव लग रही थी, लाइक 150 में एक रिंग दे रहे थे तो वो मुझे थोड़ा महंगा लगा बट ठीक है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये जस्ट इसके सामने था, ये कपड़ों की शॉप के जस्ट सामने। सो थोड़ा और अगर आप आगे जाएंगे मेले में तो यहाँ से और भी ज्वेलरी शॉप शुरू हो जाएंगी। एंड यहाँ पे ये जो शॉप लगी है हर एक माल 40 रुपये। एक्चुअली मेले में ऐसे शॉप ज़्यादा मिलेंगी, लाइक हर माल 40 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 15 रुपीज़ एंड ये मोबाइल कवर 150 और 200 में दे रहे थे क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर मोबाइल कवर थे। एंड ये मेरा फेवरेट प्लेस जो है ज्वेलरी का, जो मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ। सो ये ज्वेलरी जो ऊपर टंगी हुई है वो 150 में थी एंड जो नीचे रखी हुई है वो 250 एंड 300 के अराउंड थी। सो अच्छी थी एंड थोड़ा एक्सपेंसिव भी थी, कुछ कुछ सही भी थी क्योंकि मुझे ठीक लगी। एंड बैंगल्स के भी स्टोर था काफ़ी, बैंगल्स भी अगर आप लेना चाहें तो बैंगल्स ले सकते हैं। फ़िलहाल मैंने ज्वेलरीज कुछ परचेज किए थे, नेकलेस। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं शो कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने कौन कौन से यहाँ से सामान लिया है। सो ये ज्वेलरीज आगे भी बहुत सारे मतलब ज्वेलरीज के शॉप थे, लाइन से 3 या 4 शॉप हैं। सो उधर भी ज्वेलरीज बहुत अच्छी थी। सो ये वाली शॉप पर ज्वेलरी थोड़ी एक्सपेंसिव थी बट बहुत सुंदर थी। सो ये जो मैं देख रही हूँ मैंने इसमें से लिया है, ये मैंने 300 का उन्होंने दिया था एक नेकलेस। सो जो कि स्टोन पैटर्न में था एंड बहुत ही प्यारा था, जो आप नॉर्मल वेस्टर्न वेयर के साथ भी पहन सकते हैं एंड सूट वगैरह के साथ भी पहन सकते हैं। तो ईयरिंग्स की बात करें, ईयरिंग्स 50 रुपीज़ से लेके 150 तक अवेलेबल थी एंड रिंग्स भी सेम रेट में 50 से 150 तक आप लोगों को मिल जाएंगी। सो प्राइस मुझे सही लगा। बाकी थोड़ा बहुत बार्गेनिंग आप लोगों को करनी होती है मेले में जाके, ऑब्वियसली बार्गेनिंग अगर मान जाए तो अच्छी बात है। ये वाले जो नेकलेस आप देख रहे हैं ये 150 में थे, 150 to 200 एंड ऊपर वाला भी 150 के लाइन में थे। ऊपर जो नेकलेस है कोई भी आप लें,
सो ये वाला जो मैं देख रही हूँ, ये वाला 150 का था, ये हार्ट बीट शेप में। सो ये 150 का आई थिंक ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस है। सो इसी के साथ अगर थोड़ा आगे हम लोग शॉप में आएंगे तो यहाँ पे मेकअप का सामान मिल जाएगा, जो भी आप डेली का लाइक लेना चाहें। सो एंड फैशन गैलरी भी है, मतलब जो भी आप रूम में रूम डेकोर का लेना चाहें तो वो भी मिल जाएंगे। सो बैंगल्स हर तरह के थे, 50 रुपये में दो जो बड़े कंगन आते हैं वो भी मिल रहे थे, एंड 100 रुपीज़ में फोर थे, एंड 50 रुपीज़ में फोर भी थे जो पतले सेट में आते हैं। सो बहुत ही साइज के एंड बहुत ही सुंदर सुंदर बैंगल्स थे। सो एक बार ज़रूर आकर देखिए, अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं, घूमने अगर आप लखनऊ आए हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। ये मैं आप लोगों को लोकेशन बता देती हूँ, ये हनुमान सेतु मंदिर के पास पड़ता है, डालीगंज ब्रिज के आगे। सो यहाँ पर भी ये कपड़ों की सेल लगी हुई थी, जो कि सेम मैंने आप लोगों को बताया था। बेस्ट थिंग क्या है मुझे इस मेले की क्या लगी, क्रॉकरी। क्रॉकरी का बहुत ही अच्छा सेट लगा हुआ था, एंड इतना मतलब हर तरह की प्लेट्स थी, एंड जो भी आप मतलब बर्तन स्पून्स एंड बाउल्स, बहुत ही डिजाइन्स में बहुत सारे, बहुत ही सुंदर क्रॉकरी थी। सो ये जो नीचे प्लेट्स रखी है, ये कुछ 250 में फोर थी या सिक्स थी, हाँ 250 में फोर थी, अलग अलग रेट थे, एंड कुछ प्लेट्स 260 में फोर थी। सो ऊपर का सेट भी बहुत सुंदर थे, मतलब आप जिस तरह से सेट बनवाना चाहें, स्पून्स भी थी एंड बाउल थे, ट्रे थी, सर्विंग ट्रे। सो बहुत ही सुंदर क्रॉकरी का सेट है। सो मैंने से इसमें से कुछ जो ब्लैक वाला जो मैं देख रही हूँ, मैंने वो लिए हैं जो कि 100 के फोर थे। सो ठीक है, बहुत ही अच्छा, क्वालिटी बहुत अच्छी थी मतलब इस क्रॉकरी की। तो बहुत सारे, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे पीसेस अवेलेबल हैं, एंड बहुत सुंदर डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स भी हैं। सो आई गेस अगर आप लेना चाहें तो आप यहाँ से ज़रूर आएंगे, तो आप एक बार ज़रूर ये वाली शॉप पर देखिएगा। सो रेट भी सही लगा लेते हैं, बट इन्होंने बार्गेनिंग नहीं की थी, जिस जो इनका फिक्स प्राइस था वही इन्होंने दिया। सो ब्लैक वाला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा है, ब्लैक वाला सेट बहुत ही प्यारा था, उस पर गोल्डन वर्क है। सो वो ज़्यादा प्यारा लगेगा आपकी किचन में। सो इधर भी दूसरी शॉप पे ये लाइन से 5 शॉप थी, सो जिस पर क्रॉकरी मिल रही थी। सो ये वाला पहला शॉप था, एंड इसके आजू बाजू में 2 शॉप्स और थी, एंड दो एक दो शॉप्स आगे थी। सो सभी ने क्रॉकरी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लगाई थी, एंड सभी के प्राइस नियरली सेम थे, एंड पैटर्न में थोड़ा बहुत डिफरेंस था, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं पहले सब शॉप पर देख लूँ तब खरीदूँ, बट ऐसा कुछ नहीं, अगर आप लेना चाहें तो मतलब थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा, बाकी प्राइस सब ने सेम लगाया है, 5-10 रुपये का फ़र्क होगा तो होगा, बट अदरवाइज़ नहीं था, मैंने चेक किया था। तो इसके बगल से ये कांच के बर्तन भी मिल रहे थे, जो कि कांच के कप थे, बियर ग्लासेस एंड नॉर्मल सर्विंग प्लेट्स वगैरह सब कांच की थी। सो ये थोड़ा एक्सपेंसिव थी, ये उन्होंने 650 के अराउंड एक बहुत ही प्यारा लीफ पैटर्न में प्लेट थी वो बताया था। सो उसी के बगल में ये चीनी बर्तन की शॉप थी, जो कि कप वगैरह 50 रुपीज़ में 6 कप दे रहे थे, ये बहुत ही प्यारा, बट थोड़े भारी होते हैं ना जो चीनी बर्तन, वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे, लाइक केटली वगैरह इन सर्विंग ट्रेस प्लेट, ये सब बहुत प्यारी थी। सो इनके भी रेट अलग थे, ये 260 में वो 2 दे रहे थे। सो थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको वुडन स्टोर का पूरा शॉप मिल जाएगा, जहाँ पे आप होम डेकोर का वुडन सामान ले सकते हैं। एंड ये वाली शॉप पे हर माल 5 रुपये में मिल रहा था, लाइक क्लेचर्स एंड जो भी और चीज़ें हैं। सो एट लास्ट मैंने सावी को झूले में बिठाया था एंड घुमाया था। सो आप अगर आना चाहें तो इस मेले में ज़रूर आइएगा, एंड एक बार ज़रूर देखिएगा। सो ये मेला काफ़ी सालों से लगता आ रहा है इधर। सो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, बाय।